नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास, इश्तहारी मुजरिम पार्ट फोर। तिहाड़ जेल में मुझे एक अकेली कोठरी में बंद कर दिया गया। मेरी कोठरी बैरकों से अलग थलग बने एक ब्लॉक में थी, जहाँ केवल बेहद खतरनाक और फांसी की सजा पा चुके अपराधी ही रखे जाते थे। उस ब्लॉक में दाएं बाएं लोहे के भारी सींकचेदार दरवाजों वाली कोठरियां थीं और बीच में एक गलियारा था, जिसमें कम से कम एक सशस्त्र सिपाही 24 घंटे गश्त करता रहता था। उन सिपाहियों में से बरकत राम नाम का एक सिपाही न जाने क्यों विशेष रूप से मुझ में दिलचस्पी रखता था। जब भी गलियारे में उसकी ड्यूटी होती थी, वह अक्सर मेरी कोठरी के दरवाजे के सामने ठिठक जाता था और विचित्र नेत्रों से मुझे देखने लगता था। क्या चाहते हो? विचलित होकर एक बार मैंने उससे पूछा भी था। उत्तर में उसके होठों के कोरों पर एक रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट उभरी थी और वह बिना कुछ बोले गलियारे के सख्त फर्श पर अपने भारी बूट ठक ठकाता हुआ आगे बढ़ गया था। उस दौर में मुझे नए चार्ज लगाकर एक बार फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा चुका था और पुलिस द्वारा फिर रिमांड लिया जा चुका था। रिमांड के दौरान कई बार मैं निजामुद्दीन थाने, पुलिस हेडक्वार्टर, ITO और एरिया सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में ले जाया गया था, लेकिन अधिकतर मुझे तिहाड़ जेल की उस काल कोठरी में ही रहना पड़ा था। कोई 10 दिन बाद एक रोज़ वह सिपाही जो मुझमें दिलचस्पी लिया करता था मेरी कोठरी के सामने आकर रुक गया। उसने अपनी राइफल अपने कंधे से उतार कर अपनी टांग के सहारे जमीन पर खड़ी कर ली और मेरी ओर देखने लगा। मैंने उलझनपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखा। उसने आँख के इशारे से मुझे पास बुलाया। मैं अपने स्थान से उठा और सीखचों के पास आ खड़ा हुआ। उसने अपनी जेब से एक बीड़ी का बंडल निकाला। एक सावधानीपूर्ण निगाह गलियारे को बाहर खुले कंपाउंड के साथ जोड़ने वाले दरवाजे पर डाली और फिर धीरे से बोला, बीड़ी पियोगे? मैंने होठों पर जुबान फेरी। उसने एक बीड़ी सुलगाई, उसका एक लंबा कष्ट लगाया और सुलगी हुई बीड़ी मुझे थमा दी। मेरा नाम बरकत राम है, सिपाही बोला। मेरे मुंह से अर्थहीन हुंकार निकली। बड़े कांटे के आदमी हो गुरु, बरकत राम बोला। मैंने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी ओर देखा। मैंने तुम्हारी चार्जशीट पढ़ी है, बड़े भयंकर हाथ मारे हैं तुमने। मैंने कोई हाथ फात नहीं मारे। तो फिर पकड़े क्या फोकट में गए हो? हाँ, बहुत होशियार हो, दिल की बात चेहरे पर नहीं झलकने देते हो। मैं चुप रहा। क्या यह सच है कि बैंक डकैती केस के तुम्हारे साथी ही तुम्हें दगा दे गए थे? क्या मतलब? सुना है तुम्हारे बारे में पुलिस को जो गुमनाम टेलीफोन कॉल आई थी उसे करने वाला तुम्हारे साथियों में से ही कोई था। कौन कहता है? अखबार में छपा है, पुलिस वाले कहते हैं। मैंने बीड़ी का एक लंबा कश लगाया। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हो सकता, बरकत राम बोला। तुम्हारे साथी तुम्हें दगा नहीं दे सकते। तुम जिन लोगों को कवर करने के लिए पुलिस की सारी शक्ति बर्दाश्त कर गए, वे भला तुम्हें दगा कैसे दे सकते हैं? अगर वे दगाबाज होते तो तुम उनका भांडा न फोड़ देते। गुरु, सारी जेल में तुम्हारी अपने साथियों के प्रति ईमानदारी की चर्चा है। हर कोई यही कह रहा है कि ऐसा जीदार आदमी नहीं देखा। और अगर मुझे मेरे साथियों ने फंसाया हो तो? मैं बोला। बरकत राम यूं हंसा जैसे भारी मजाक की बात सुन ली हो। मैं चुप रहा। और अपने साथियों के बारे में तुमने कुछ बताया भी तो ऐसा गोलमोल कि पुलिस कुछ भी ना जान पाए। सुना है तुमने यहाँ तक चंडू खाने की हाँक दी थी कि तुम्हारे साथियों में एक लड़की भी थी। लड़की? हा 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 हा। मैंने बीड़ी का आखिरी कश लगाया और उसे फर्श पर फेंकने ही लगा था कि बरकत राम व्यग्र स्वर में बोल पड़ा, नना। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। बीड़ी मुझे दो। मैंने बचा हुआ टुकड़ा उसको थमा दिया। उसने टुकड़ा अपने से परे गलियारे में उछाल दिया। भैया, तुम्हारे बारे में तो जेलर साहब की खास हिदायत है, अगर तुम्हारी कोठरी में बीड़ी का टुकड़ा पड़ा मिला तो फौरन तफ्तीश हो जाएगी। तुम्हें बीड़ी किसने दी? मेरी नौकरी छुड़वाओगे क्या? सॉरी, मैं बोला। परवाह मत करो, 50 लाख में से तुम्हारा हिस्सा कितना था? बरकर राम गप्पों का शौकीन मालूम होता था। मैं तो तन्हाई से बोर हो ही रहा था, सोचा क्या हर्ज है, गप्पों में थोड़ी देर की दिलजोई ही सही। 10 लाख, मैं बोला। क्यों? बरकत राम के माथे पर बल पड़ गए। आदमी तो तुम चार थे।
एक आदमी के लिए दो हिस्से तय हुए थे। क्यों? मैंने वजह बता दी। ओह, ये तुम्हारे साथी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे? क्या कर सकते हैं वो? बरकत राम ने सावधानी से दाएं बाएं देखा और फिर फुसफुसाता हुआ बोला, तुम्हें जेल से निकलवाने की कोशिश। मेरी आंखों में विषाद की छाया तैर गई। मुझे पता नहीं वे लोग क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्षता मैं बोला। वैसे तुम्हें उम्मीद है कि वे तुम्हारा हिस्सा तुम्हें ईमानदारी से सौंप देंगे? ना भी सौंपेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर मुझे फांसी की सज़ा हो गई तो रुपया मेरे किस काम आएगा? तुमने वाकई लेडी शांता गोकुलदास का कत्ल किया था? हाँ, मैं सहज स्वर से बोला। कमाल है, वह प्रशंसापूर्ण स्वर से बोला, सूरज से तो तुम मक्खी भी मारने के काबिल नहीं मालूम होते। सूरज से बड़े बड़े लोगों को धोखा हो सकता है। ठीक कह रहे हो। उसी क्षण गलियारे में किसी के भारी कदम पड़े। बरकत राम ने मुझे हाथ से संकेत किया। मैं तुरंत जगले से परे हट गया और कोठरी के पृष्ठ भाग में लगे फट्टे पर जा बैठा। एक अन्य सिपाही बरकत राम के स्थान पर ड्यूटी देने के लिए वहां आया था। बरकत राम ने उसे राइफल सौंपी और विचित्र निगाहों से मुझे देखता हुआ गलियारे में आगे बढ़ गया। अगले दो दिन मुझे बरकत राम की सूरत दिखाई नहीं दी। तीसरे दिन गलियारे में मुझे फिर बरकत राम दिखाई दिया। उसके साथ दो सिपाही और थे। मुझे हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाकर उन दो सिपाहियों ने मुझे बरकत राम के हवाले कर दिया। मैं बरकत राम की हिफाजत में पहले कोठरी से और फिर गलियारे से बाहर निकला। कहाँ ले जा रहे हो? मैंने पूछा। जेलर के दफ्तर में, शायद तुम्हें कचहरी ले जाया जाने वाला है। मैं चुप हो गया। मैं हथकड़ियाँ और बेड़ियों में जकड़ा हुआ उसके साथ चलता रहा। भोपाल वाली कहानी भी तुमने अच्छी सुनाई थी, एकाएक बरकत राम बोला। क्या मतलब? यही कि तुम्हारे साथी भोपाल में रहते हैं, किसी का रेस्टोरेंट है तो कोई पढ़ता है वगैरह। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बरकत राम मेरे कारनामों से बुरी तरह प्रभावित दिखाई देता था। उसकी निगाह में मेरा हर काम करामाती था। वह खामखा मुझे हीरो बनाई दे रहा था। वैसे वास्तव में तुम्हारे साथी कहाँ के रहने वाले हैं? उसने पूछा। दिल्ली के ही, मैंने यूं ही कह दिया। वाह, चिराग तले अंधेरा। पुलिस उन्हें हिंदुस्तान में तलाश करती फिर रही है और वे दिल्ली में ही हैं। जेलर का दफ्तर आ गया। मुझे कचहरी ले जाने के लिए वहां नहीं बुलाया गया था। वहां पुलिस के कई उच्च अधिकारी मौजूद थे और उनके आगमन का इकलौता उद्देश्य था उन कई अनसुलझे अपराधों के लिए भी मुझे जिम्मेदार ठहराना, जिनके बारे में कि मैंने सुना तक नहीं था। पुलिस वाले एक ही तीर से 150 शिकार करने की फिराक में मालूम होते थे। शायद वे चाहते थे कि फांसी चढ़ने के पहले मैं 150 अपराध और कबूल कर जाऊं और वे एक ही हल्ले में सारे देश की वाहवाही के हकदार बन जाएं। शायद हर कोई मेरे ही दम पर कोई तमगा या तरक्की हासिल करने की फिराक में था। अंत में हार कर उन्होंने मुझे बरकत राम के हवाले कर दिया। बरकत राम मुझे मेरी कोठी के सामने ले आया। अगर तुम्हें जेल से भागने का मौका मिल जाए तो तुम क्या करोगे? एकाएक वह बोला। मैंने झुक कर उसकी ओर देखा। यह कैसा सवाल था? क्या बरकत राम मेरी असहाय दशा का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था? भाग जाऊंगा, मैं बोला। और क्या करूंगा? जैसे जेल से भाग जाना इतना ही आसान है। मैंने कब कहा है? तुम्हें तो पूछा था कि ठीक है ठीक है। मैं फिर वापस काल कोठरी में पहुँचा दिया गया। मेरे बंधन खोल दिए गए। बाहर गलियारे में बरकत राम पहरा दे रहा था। थोड़ी देर बाद वह फिर मेरी कोठरी के सामने आ खड़ा हुआ। कोई नवा पता नहीं जमा किया हुआ तुमने? उसने रहस्यपूर्ण स्वर से पूछा। किया हुआ है, मैं बोला, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त सब पुलिस के कब्जे में आ गया। तुम्हारे जैसे आदमी के लिए कोई भी मोटी रकम फिर पीट लेना क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है? मैं बोला। पता नहीं मैंने उसके सवाल को जवाब दिया था या खुद अपने आप से सवाल किया था। तुम्हारे जैसे आदमी का सहयोग पा लेना किसी भी अपराधी के लिए फख्र की बात हो सकती है। मैंने उसकी बात का विरोध नहीं किया। लो बीड़ी पियो। अपनी ताजी सुलगाई बीड़ी उसने मुझे सौंप दी और स्वयं मेरे पास से हट गया। उसने दोबारा मुझसे बात नहीं की। अगले दो दिन वह मुझे गलियारे में दिखाई नहीं दिया। तीसरे दिन शायद फिर उस ब्लॉक में उसकी ड्यूटी लगी। एक बार वह फिर मेरी कोठरी के सामने आ खड़ा हुआ। उसने संकेत से मुझे अपने पास बुला लिया। सुनो, बरकत राम बोला। मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा।
यहाँ से निकलना चाहते हो? सवाल हथौड़े की तरह मेरी चेतना से टकराया। मैं मुंह बाएं उसकी ओर देखने लगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वह सावधानी से चारों ओर निगाह दौड़ाते हुए धीमे स्वर से बोला, कैसे? दिल्ली में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ धंधे की खातिर तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। धंधा? हाँ, वे लोग गारंटी के साथ तुम्हें जेल से निकलवा सकते हैं, लेकिन उनकी दो शर्तें हैं। क्या? एक तो भविष्य में तुम्हें हमेशा उन्हीं लोगों के साथ काम करना होगा, और दूसरे, लूट के माल में से आधा तुम्हें उन्हें देना होगा। 5 लाख? 5 लाख नहीं, 25 लाख। तुमने बैंक के 50 लाख रुपए पर हाथ साफ किया था। लेकिन उसमें मेरा हिस्सा तो सिर्फ 10 लाख ही है। मालूम है, लेकिन तुम्हें यहाँ से निकलवाने की कीमत 25 लाख है। 10 लाख तुम्हारा हिस्सा है, तो बाकी के 15 लाख चाहे तुम अपने साथियों से उधार मांगो या उनसे जबरदस्ती झपटो, यह सोचना तुम्हारा काम है। वैसे उन लोगों को तो तुम्हें हंस कर 15 लाख रुपये फालतू दे देने चाहिए। उनके बारे में तुम अपनी जबान बंद रखे हुए हो, इसलिए वे सब सुरक्षित हैं। अगर तुम उन्हें पकड़वा दो तो वे लोग जेल की हवा तो खाएंगे ही, साथ ही रुपया भी वापस यूनियन बैंक को पहुंचा दिया जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो, मैं बोला। जल्दी जवाब दो, मैं बाहर वालों को क्या कह दूं? मुझे सौदा मंजूर है, मैं सहज स्वर से बोला। मैं उन्हें 25 लाख रुपए भी दूंगा और उनके साथ काम भी करूंगा, बशर्ते कि वे लोग मेरे स्तर के हों, कोई जेब कतरे या छोटे मोटे हाथ मारने वाले बटवा मारना हो। पागल हो गए हो क्या? बरकत राम तिरस्कारपूर्ण स्वर से बोला। जो लोग तुम्हें तिहाड़ जैसी जेल से निकलवाने जैसा गंभीर कदम उठा सकते हैं, वे क्या कोई छोटी मोटी चीज होंगे? ठीक है, बरकत राम वहां से हट गया। सब कुछ तय हो गया है, 3 दिन बाद बरकत राम ने मुझे बताया। इस सोमवार को फिर रिमांड लेने के लिए पुलिस तुम्हें कचहरी लेकर जाएगी। सोमवार को तुम वापस जेल में नहीं आओगे। क्या? क्या? मैं चिहक कर बोला। यानी कि दिन दहाड़े? दिन रात मैं नहीं जानता, जो कुछ मुझे बताया गया है मैंने तुम्हें बता दिया है। लेकिन छोड़ो, बरकत राम ने मुझे बोलने नहीं दिया। जो होगा तुम्हारे सामने आ जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, 25 लाख रुपए की अदायगी के बारे में अगर तुम्हारे मन में कोई चालाकी या धोखाधड़ी है तो उसे अभी निकाल दो। अगर उस मामले में तुमने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो ऐसी मौत मरोगे कि तुम्हारे फरिश्ते पनाह मांगने जाएंगे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। समझदार आदमी हो, बाहर वालों को तुमसे यही उम्मीद है। रिमांड का दिन आया। बरकत राम के कथनानुसार आज मेरी रिहाई का दिन था, लेकिन न जाने क्यों मुझे इस बात पर विश्वास नहीं आ रहा था। मुझे सारा सिलसिला एक सपना सा लग रहा था, एक बड़ा क्रूर मजाक मालूम हो रहा था। पिछले 4 दिनों से मैं दिन रात यही सोच रहा था, इसी के सपने देख रहा था। क्या वाकई मेरी रिहाई मुमकिन थी? सुबह सवेरे बरकत राम एक अन्य सशस्त्र सिपाही के साथ मेरी कोठरी में आया। मुझे सावधानी से हथकड़ियाँ और बेड़ियों में जकड़ दिया गया और फिर कोठरी से बाहर निकाला गया। मुझे जेल की कैदियों को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त होने वाली गाड़ी में लाद दिया गया। गाड़ी के बीच में 2 लोहे के मजबूत दरवाजे थे, जिनके भीतर मैं था और बाहर बेंचों पर आमने सामने मुंह किए बरकत राम और उसका साथी बैठे थे। गाड़ी जेल रवाना हुई। गाड़ी निर्विघ्न 30,000 पहुंच गई। मेरा मन निराशा से भर गया, कुछ भी तो नहीं हुआ था। कोई 2 बजे मुझे अदालत में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पुलिस को 10 दिन का रिमांड और मिल गया। वापसी के सफर के लिए मुझे फिर गाड़ी में लाद दिया गया। मैंने कई बार बरकत राम से आंख मिलाने की कोशिश की, लेकिन बरकत राम को तो जैसे मेरी ओर झांकना भी गवारा नहीं था। गाड़ी जेल की ओर चल पड़ी। गाड़ी जखीरे का मोड़ काट कर आगे बढ़ी ही थी कि एकाएक ब्रेकों की तीव्र चरचराहट और टायरों के सड़क पर रिपटने की आवाज मेरी कानों में पड़ी। मैं बेंच से उलटकर औंधे गुमों गाड़ी के फर्श पर आकर गिरा। बेड़ियों की सलाखें मेरी जांघों के बीच में घुस गई। मेरे मुंह से एक घुटी हुई कराह निकली और आंखें आंसुओं से भर गई। मेरा चेहरा पीड़ा से विकृत हो उठा। कोई जोर से चिल्लाया, फिर एक भड़ाक की आवाज हुई। मैं संभल भी नहीं पाया था कि फुटबॉल की तरह फर्श पर लुढ़कने खा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे पहाड़ गाड़ी से आ टकराया हो। फिर पट पट करके 3-4 पटाखे से छूटे। कोई गला फाड़कर चिल्लाया। मैं गिरता पड़ता उठकर खड़ा हुआ और मैंने गाड़ी के मजबूत जाली के रोशनदान से बाहर झांका।
बाहर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हर तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। वाहे गुरु सच्चे पातशाह, मैं होठों में बुदबुदाया और आंखें फाड़ फाड़ कर बाहर देखने लगा। फिर एक फायर हुआ। मेरे कानों में ऐसी आवाज पड़ी जैसे बड़ी रफ्तार से किसी टायर में से हवा निकल रही हो। एक और फायर हुआ। मेरे सामने मौजूद लोहे का बंद दरवाजा जोर से झनझना गया। फिर लोहे से लोहा टकराने की टन की आवाज हुई। खबरदार, एक भारी आवाज मेरे कानों में पड़ी, हीरो बनने की कोशिश मत करना। लोहे का दरवाजा भड़ाक से खुला। कोई भीतर को झपटा, उसके साथ ही ढेर सारा धुआं भीतर घुस आया। मुझे आगंतुक की सूरत दिखाई नहीं दी, मुझे केवल दो मजबूत हाथ अपनी ओर बढ़ते दिखाई दिए। फिर वे हाथ बगलों के नीचे मेरे शरीर से लिपट गए। आगंतुक ने मुझे अपनी ओर घसीटा। मैं हथकड़ियों और बेड़ियों से उलझता चीखता करहाता खींचता चला गया। मेरे पांव गाड़ी की सीढ़ियों से टकराए, मेरा शरीर कहीं अटका और आगंतुक की पकड़ मेरे शरीर से छूट गई। मैं धड़ाम से पक्की सड़क पर आ गिरा। मेरा सिर शायद सड़क से टकराया। मेरी आंखों के सामने सितारे नाच गए। मैं बेहोश होता होता बचा। उठकर खड़े हो जाओ, कोई आदमी कर्कश स्वर से चिल्लाया, लेकिन मुझमें हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। उस आदमी के मुंह से एक गाली निकली और उसने मेरी बगलों में हाथ डालकर मुझे एक झटके से मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया। मेरी गाड़ी के पृष्ठ भाग पर निगाह पड़ी। बरकत राम और उसका साथी सिपाही एक ही बेंच पर एक दूसरे से उलझे हुए सिमटे पड़े थे। एक आदमी उन्हें रिवॉल्वर से कवर किए हुए था। एक स्टेशन वैगन बैक होती हुई मेरे एकदम समीप आकर रुकी। उसका ढक्कन नुमा पिछला दरवाजा खुला था और वहां एक आदमी पहले ही तैयार खड़ा था। उस आदमी ने मेरी बाह पकड़ी। मेरी बगल में खड़े आदमी ने मुझे टांगों से पकड़कर ऊपर को धकेला और मुझे किसी बेजान वस्तु की तरह स्टेशन वैगन में लाद दिया गया। मेरे साथी का आदमी स्टेशन वैगन की साइड से घूमकर सामने की ओर लपका और ड्राइवर के बगल में जा बैठा। दो और आदमी स्टेशन वैगन में घुस गए। उनमें से एक के हाथ में पुलिस वालों की राइफलें थी और दूसरा आदमी वह था जो सिपाहियों को कवर किए हुए था। स्टेशन वैगन का पिछला दरवाजा भड़ाक से बंद हो गया और फिर स्टेशन वैगन तोप से छूटे गोले की तरह वहां से भाग निकली। पीछे धुएं के बादल और घने होते जा रहे थे। पुलिस की गाड़ी मुझे अब दिखाई नहीं दे रही थी। मैं पुलिस के फंदे से निकल चुका था। एक सुनसान मोड़ से स्टेशन वैगन गुजरी तो दोनों राइफलें स्टेशन वैगन से बाहर उछाल दी गई। जिस आदमी ने मुझे बाह से पकड़कर स्टेशन वैगन के भीतर घसीटा था वह मेरे समीप आकर बैठ गया। उसने डॉक्टरों के विजिटिंग बैग जैसा एक छोटा सा बैग खोला। बैग तरह तरह की चाबियों से भरा पड़ा था। उसने बड़े सब्र से हथकड़ियों और गाड़ियों के तालों में विभिन्न चाबियों को आजमानी आरंभ कर दी। 5 मिनट बाद लोहे के सरकारी जेवर मेरे शरीर से अलग हो गए। हाथ आजाद होते ही मैंने सबसे पहले अपना सिर टटोला, जहां सिर सड़क से टकराने से आलू जितना बड़ा गुम्बड़ निकल आया था। कपड़े उतारो, मुझे आदेश मिला। मैंने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया और अपने सारे कपड़े उतार दिए। मुझे पहनने के लिए एक घिसी हुई बेल बॉटम जीन, एक छपी हुई अजीब सी कुत्ते के कानों जैसे लंबे कॉलरों वाली कमीज और एक जैकेट दी गई, जिसकी पीठ पर अर्धवृत्ताकार अक्षरों में लिखा था बैन द बम। मैंने नए कपड़े पहन लिए। स्टेशन वैगन एक स्थान पर रुकी। मैंने प्रश्न सूचक नेत्रों से अपने साथियों की ओर देखा। किसी ने मुझसे निगाह मिलाना जरूरी नहीं समझा। एक ट्रक स्टेशन वैगन के बगल में आकर रुका। ट्रक का पृष्ठ भाग पूरी तरह तिरपाल से ढका हुआ था। दो आदमी स्टेशन वैगन से बाहर निकल गए। कुछ क्षण वे सड़क पर खड़े रहे। फिर एक आदमी मेरे पास आया और बोला, यहां से निकलकर फौरन ट्रक के पृष्ठ भाग में घुस जाओ। मैंने आज्ञा का पालन किया। चौथाई मिनट में मैं ट्रक के भीतर था। वे दोनों आदमी मेरे साथ ही ट्रक में घुस आए। भीतर एक आदमी पहले ही मौजूद था। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर भी एक आदमी बैठा था। ट्रक चल पड़ा। हम कहाँ जा रहे हैं, मैंने पूछा। किसी ने उत्तर देना जरूरी नहीं समझा। जो आदमी ट्रक में पहले से ही बैठा था उसने एक बक्से में से शेव का सामान निकाला और मेरे सामने आ बैठा। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मुझे हजामत किए लगभग 1 महीना हो गया था। मैंने उससे शीशा लेकर अपना मुंह देखा। उतनी दाढ़ी मूछ और बिखरे बालों की मौजूदगी में मेरी सूरत फिर सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल जैसी लगने लगी थी। उस आदमी ने, जो कि शायद नाई था, मेरे चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी और नीचे को झुकी हुई मूछें तराश दी। उसने मेरे सिर के बालों को भी
मुनासिब छटाई कर दी। वहीं एक पानी की बाल्टी पड़ी थी। मैंने रगड़ रगड़ कर अपना मुंह धोया और बालों में से धूल मिट्टी निकाली। अंत में जब मैंने शीशे में अपनी सूरत देखी तो मैं एक नया ही इंसान बन गया था। उस समय मेरी सूरत थोड़ी थोड़ी सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल, विमल कुमार खन्ना, गिरीश माथुर और बनवारी लाल तांगे वाले सहित सबसे मिल रही थी, लेकिन वास्तव में मैं किसी के भी जैसा नहीं लग रहा था। एक आदमी ने मेरे हाथ में एक पाइप थमा दिया। पाइप में तंबाकू भरा हुआ था। मैंने पाइप होठों में दबाया। उसने माचिस से तंबाकू सुलगा दिया। थैंक यू, मैं ढेर सारा धुआं उगलता हुआ कृतक स्वर से बोला। शायद वह पाइप भी मेरे वर्तमान बहुरूप का एक अंग था। फिर उस आदमी ने हाथ बढ़ाकर मेरी नाक से चश्मा उतार लिया। यह क्या कर रहे हो, मैं तीव्र विरोधपूर्ण स्वर से बोला। चुपचाप बैठे रहो, वह कर्कश स्वर से बोला। लेकिन मेरी निगाह बहुत कमजोर है, मैं चश्मे के बिना कुछ नहीं देख सकता। अरे कहा ना चुपचाप बैठे रहो, मैं चुप हो गया। ट्रक किसी अनजानी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। उस आदमी ने मेरा चश्मा अपनी जेब में रख लिया और फिर एक सूटकेस में से एक इंजेक्शन और सिरिंज निकाल लिया। वह इंजेक्शन तैयार करने लगा। मैं अपलक नेत्रों से उसे देखता रहा। अपनी बाहें नंगी करो, आदेश मिला। क्यों, मैं हैरानी से बोला। यह इंजेक्शन किस लिए? ताकि तुम थोड़ी देर आराम कर सको, तुमने बहुत तकलीफ उठाई है। लेकिन इसे पकड़ो, उसने अन्य दो व्यक्तियों को आदेश दिया। दोनों ने मुझे दबोच लिया। तीसरे ने मेरी बाह नंगी की और बड़ी बेरहमी से उसमें सुई घुसेर दी। पीड़ा से मेरा चेहरा विकृत हो उठा। मेरे मुंह से हल्की सी कराह निकली। सुई अभी मेरी बाह से बाहर भी नहीं निकली थी कि मेरी चेतना लुप्त होने लगी। मेरी आँख खुली। मैं कुछ क्षण अपनी आंखें मिचमिचाता रहा और फिर आदतन अपने दाएं बाएं हाथ मार मार कर अपना चश्मा तलाश करने लगा। चश्मा मेरे हाथ नहीं लगा। बड़े यत्न से मैंने आंखें खोली और चारों ओर निगाह दौड़ाई। मुझे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि मुझे सब कुछ वैसा ही स्पष्ट दिखाई दे रहा था जैसे चश्मे में से दिखाई देता था। मैं उठकर बैठ गया। उस समय मैं एक बड़े साफ सुथरे कमरे में मौजूद था। कमरे की खिड़कियों पर मोटे पर्दे पड़े हुए थे और कमरे के दो दरवाजों में से दोनों बंद दिखाई दे रहे थे। मैंने अपने शरीर पर निगाह डाली। जो कपड़े मुझे ट्रक में पहनने को दिए गए थे वे उस समय मेरे शरीर पर नहीं थे। उस समय मैं एक खद्दर का कुर्ता पजामा पहने हुए था और एक गद्देदार पलंग पर बैठा हुआ था। कमरे में एक ट्यूबलाइट चल रही थी, लेकिन उसका यह मतलब जरूरी नहीं था कि बाहर अंधेरा था। मेरे पास यह जानने का कोई साधन नहीं था कि मैं कितनी देर बेहोश रहा था और वह दिन का समय था या रात का। मैं पलंग से उतरा। पलंग के पायताने एक ड्रेसिंग गाउन पड़ा था। मैंने गाउन पहन लिया। मैं झिझकता हुआ एक दरवाजे पर पहुंचा। वह दरवाजा बड़ी मजबूती से बाहर से बंद था। मैं दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। दूसरा दरवाजा मेरे धक्का देते ही खुल गया। वह दरवाजा बाथरूम का था। मैं खिड़कियों के पास पहुंचा। भारी पर्दों के पीछे मुझे मजबूती से बंद खिड़कियां दिखाई दी। उनमें बाहर झांकने लायक एक छोटी सी झिर्री तक नहीं थी। कमरे में एक अलमारी थी जिसमें मुझे अपने जूते, बेल बॉटम जीन, कुत्ते के कानों वाली छपी हुई स्किन फिट कमीज और बैन द बम वाली जैकेट टंगी दिखाई दी। मैं बाथरूम में पहुंचा। वॉश बेसिन के ऊपर लगे शीशे में मैंने अपनी सूरत देखी। यह बात स्पष्ट हो गई कि मुझे चश्मे के बिना पूरा दिखाई कैसे दे रहा था। मेरी आंखों की पुतलियां काली की जगह नीली हो गई थी। निश्चय ही मेरी आंखों में कॉन्टेक्ट लेंस फिट कर दिए गए थे। मैंने आदतन अपने हाथ के पीठ को अपनी आंखों पर और फिर अपनी ठोड़ी पर रगड़ा। चेहरे से साफ जाहिर होता था कि मुझे शेव किए कम से कम 2 दिन हो गए थे। इसका मतलब था कि मैं कम से कम 2 दिन से लगातार बेहोश था, क्योंकि जेल से निकासी से फौरन बाद मेरी शेव करके मेरे चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ तराशी गई थी। वॉश बेसिन पर शेव और टॉयलेट का पूरा सामान पड़ा था। मैंने पहले दांत साफ किए और फिर शेव की। नीली आंखों और फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ की मौजूदगी में अब मैं कम से कम पंजाबी या भूतपूर्व सिख नहीं लग रहा था। वास्तव में मुझे जेल से निकालने वालों ने मेरी भूतपूर्व सूरत के सारे ट्रेडमार्क मेरे व्यक्तित्व से निकाल दिए थे। उनमें से चश्मे की जगह कॉन्टेक्ट लेंस वाला आइडिया सबसे जोरदार था और इसका ख्याल मुझे भी बहुत पहले आना चाहिए था। बाथरूम में गीजर लगा हुआ था। नल में गर्म पानी आ रहा था।
मैंने कपड़े उतार दिए। कपड़े उतारते ही मुझे एक नई चीज़ दिखाई दी। मेरे गले में एक जंजीर लटकी हुई थी जिसके सिरे पर एक बड़ा सा कंठा था। कंठे पर लिखा था हरे कृष्ण हरे राम। मुझे जेल से निकालने वाले निश्चय ही गहरी सूझबूझ के स्वामी थे। उन्होंने मेरा कायापलट करने में बहुत दूरदर्शिता का परिचय दिया था, लेकिन अफसोस था तो इस बात का, जिस 25 लाख रुपए की खातिर वे लोग मेरी इतनी सेवा कर रहे थे वह उन्हें कभी भी हासिल होने वाला नहीं था। मैं रगड़ रगड़ कर नहाया और फिर मैंने कपड़े पहन लिए। पलंग के बगल में रखी छोटी सी गोल मेज पर पाइप, माचिस और तंबाकू पड़ा था। वहीं मेरा सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा भी पड़ा था। मैंने पाइप तैयार किया और उसके लंबे लंबे कश लगाने लगा। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। मैं सोचने लगा, इमारत में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जोर जोर से चिल्लाऊं, दरवाजा पीटूं या कुछ और? तभी मुझे बंद दरवाजे की चौखट में लगा एक पुश बटन दिखाई दिया। क्या पता यह इमारत में कहीं और बजने वाली घंटी का पुश बटन हो। मैंने उस पुश बटन को 2-3 बार दबाकर छोड़ दिया। जवाब में मुझे इमारत में कहीं घंटी बजने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। या तो वह कमरा साउंड प्रूफ था और या वह इमारत बहुत बड़ी थी और घंटी बहुत दूर लगी हुई थी, और या फिर उस पुश बटन का संबंध किसी घंटी से था ही नहीं, लेकिन संबंध था। बंद दरवाजे के ताले के छेद में से चाबी घूमने की आवाज़ आई। दरवाजा खुला। चौखट पर 2 आदमी प्रकट हुए। एक बाहर गलियारे में ही रह गया और दूसरा भीतर आ गया। तुरंत दरवाजा बंद हो गया और ताले में चाबी घूम गई। जो आदमी भीतर आया था वह एक लगभग 40 साल का सिर से एकदम गंजा हृष्टपुष्ट एक आदमी था। उसका दायां हाथ अपने कोट की जेब में था और उस हाथ में निश्चय ही रिवॉल्वर थी। बाहर वाला आदमी भी सशस्त्र था। मुझे उसकी पतलून की बेल्ट से जुड़ा होलस्टर दिखाई दिया था। मेरी सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम था। मैं उन्हें धोखा देकर वहां से भाग नहीं सकता था। गंजे ने मेरे पास आने की कोशिश नहीं की। वह दरवाजे से 2 कदम आगे बढ़कर खड़ा हो गया। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी और वह बोला, हेलो, मैं कहाँ हूँ? मैं बोला, हिंदुस्तान में। उत्तर मिला, हिंदुस्तान में तो हूँ लेकिन कहाँ? हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। तुम्हारे लिए हिंदुस्तान शायद उतना बड़ा नहीं। जिस सरगर्मी से पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है वैसे आज़ाद हिंदुस्तान में शायद ही किसी की तलाश हुई हो, लेकिन फिर भी तुम जहाँ भी हो एकदम सुरक्षित हो। कम से कम इतना तो बता दो कि दिन है या रात, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो शायद नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मुझे इतना तो पता लगे कि मुझे अभी ब्रेकफास्ट की मांग करनी चाहिए या लंच की या डिनर की। ओह, अभी भोजन आ रहा है, उसे तुम ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो चाहे समझ लेना। बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं खामखा आगे बढ़ा। वहीं खड़े रहो, गंजा एकाएक कर्कश स्वर से बोला। मैं ठिठक गया। गंजा दरवाजे के पास पहुंचा। उसने बेल पुश धीरे से दबा कर छोड़ दिया। दरवाजे में फिर चाबी घूमी, दरवाजा खुला और एक वर्दीधारी वेटर एक ट्रॉली धकेलता हुआ भीतर प्रविष्ट हुआ। उसने ट्रॉली पलंग के साथ खड़ी कर दी और स्वयं आदरपूर्ण मुद्रा बनाए एक और खड़ा हो गया। मैंने देखा ट्रॉली भोज्य पदार्थों से भरी पड़ी थी। फल, कॉफी और स्कॉच की एक बोतल से लेकर कई सामेश निरामेश भोजन ट्रॉली पर उपस्थित थे। ट्रॉली में इतना मसाला था कि मैं उसे 4-5 दिन में भी खत्म नहीं कर सकता था। बाकी मेहमान कहाँ है? मैंने पूछा। कैसे मेहमान? गंजा उलझनपूर्ण स्वर से बोला। जो मेरे साथ इस दावत में शामिल होने वाले हैं। तुम्हारे साथ कोई शामिल नहीं होने वाला। तो क्या यह सारा खाना मैं अकेले खाऊंगा? जरूरी नहीं, जो पसंद हो खाओ, बाकी वेटर वापस ले जाएगा। और दोस्त, मजाक करने की कोशिश मत करो, मुझे मस्खरे आदमी पसंद नहीं। मजाक तो तुम मेरे साथ कर रहे हो जो मेरे लिए इतना खाना मंगाया है। मैं आदमी हूँ या राक्षस? ऐसा इसलिए किया गया है, गंजा तनिक नम्र स्वर से बोला, क्योंकि हमें तुम्हारी पसंद नहीं मालूम और मैं यह नहीं चाहता था कि कोई बार बार चक्कर लगाए। आगे से तुम जो चाहोगे वही मिल जाएगा। यानी कि मुझे काफ़ी अरसे तक यहाँ कैद रहना पड़ेगा? यह तो तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारा अपने साथियों से संपर्क का कोई आसान साधन है तो तुम्हारी निकासी जल्दी संभव हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से बाहर निकलने से पहले
तुम्हारे लिए हमें 25 लाख रुपए दिलवाना जरूरी है, लेकिन यहाँ से निकले बिना मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें रुपए का इंतजाम तो यहाँ से निकले बिना ही करना होगा। बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करने के लिए हम तुम्हारी हर मदद करने को तैयार हैं, और अगर मैं जल्दी ही कुछ न कर पाया तो बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? नमूना खाना खाने से पहले देखना चाहते हो या बाद में? पहले नहीं, मैं जल्दी से बोला। मैं एक क्षण ठिठका और फिर धीरे से बोला, और बाद में भी नहीं, समझदार आदमी हो। मैंने भरपेट खाना खाया। बाद में मैंने एक कप कॉफ़ी बनाई और उसे ट्रॉली से अलग रख लिया। स्कॉच की बोतल मैंने ट्रॉली में से पहले ही उठा ली थी। गंजे के संकेत पर वेटर ट्रॉली वापस ले गया। उस दौर में दरवाजा मजबूती से बंद रहा था। बड़ी विकट स्थिति थी। मुझे जेल में से निकालने में तो वे लोग मेरी मददगार साबित हुए थे, लेकिन अब यहाँ से निकलने में तो कोई मेरी मदद नहीं करने वाला था, और यहाँ मैं जेल से ज़्यादा सख्त कैद में था। प्रत्यक्षता में भावहीन चेहरा लिए काफ़ी और पाइप का आनंद लेता रहा। मैं चला, गंजा बोला, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो घंटी बजा देना, मैं हाजिर हो जाऊँगा। तुम्हारा नाम क्या है? गंजा एक क्षण हिचकिचाया और फिर बोला, तुम मुझे चौधरी के नाम से पुकार सकते हो। और वास्तव में तुम्हारा नाम क्या है? कहा ना, तुम मुझे चौधरी के नाम से पुकार सकते हो। मैं चुप हो गया। गंजे ने घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला, गंजा बाहर निकला, दरवाज़ा फिर बंद हो गया और उसमें ताला लग गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।